आपसे चाहती क्या है? वो चाहती है कि हम कुदरत की कचहरी में अपना गुनाह कबूल कर लें, वरना सुल्तान आप उस कुदरती कचहरी में जाने के लिए हाँ कह दीजिए। क्या मतलब? हाँ, हम आपको वहां सजा नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। एक बार कुदरती कचहरी ने आपको माफी दे दी ना, उस चोरनी की रूह को भी माफी देनी ही पड़ेगी। यकीन है हो सकता है? ऐसा ही होगा सुल्तान। आप जल्दी से मामला रफा दफा करते, क्योंकि आपका असली मकसद तो अच्छी राज है। ठीक है सुल्तान, हम चलते हैं और थोड़ी देर में आपके पास आते हैं, फिर हम कुदरती कचहरी के लिए रवाना होंगे। ठीक है? शहर इस अलमारी में है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात? जश्न। अभी जहरबी के साथ क्या कर रही है बड़ी उस्ताद? जश्न वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते तुम्हें, पर तुम्हें यकीन है ना कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। देखो यहाँ जो कुछ भी तुमने देखा है ना, किसी को बताना मत, सुल्तान को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर इतना तो पता है कि मैं हमेशा अपनी बड़ी उस्ताद का साथ दूंगा। शुक्रिया जश्न। आप फिक्र ना करें, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मैं थक के हारने वालों में से नहीं हूं। जहर को बांधने वाली रस्सियां अभी तक बनी नहीं है। मुझे यहां से कैसे भी बाहर निकलना होगा। भाईजान के सामने उस अलादीन के बच्चे का पर्दाफाश करना है मुझे। कोई है? मुझे यहां से बाहर निकालो। आखिर लड़ाई का वक्त आ गया, बस दो तीन वार और जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह जीत हमारी हो। यास्मीन, सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम इतनी देर रुक कर नाटक कर पाओगी? घबराओ मत, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानती हूँ। वाह, कसमें वादे, मोह मोह के धागे, कमाल है। छोटे, काश कोई हमसे भी ऐसा वादा करता। ओ, जानती हूँ। कराएं वादे तुम लोगों को। कमाल है, मतलब इनके साथ आलू का पराठा और हमारे साथ सूखा पराठा, अलग बात। सच में आका, आप दोनों में कुछ तो है। आप दोनों दोस्तों की तरह एक दूसरे की फिक्र करते हैं, चोहर बेगम की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। इश्क इश्क है ये, इश्क। बस बस, बाकी बातें बाद में। अब हाँ, कुदरत की कचहरी। तुम दोनों हमारे साथ नहीं चल रहे ना? क्या, क्यों? हाँ हाँ, हम वहां पे ऐसे मजाक थोड़ी ना करेंगे। जिन्हों अब वो जफर अय्यार नहीं रहा, उसके लिए हम अकेले ही काफी। और वैसे भी हमें याद रखना होगा कि जहर कैद में जरूर है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर जादूगरनी। अगर वो बच के भाग निकली
तो जहर, खली बली और जफर की फौज से अम्मी और तालीम घर के बच्चों की हिफाजत के लिए भी यहाँ कोई होना चाहिए। सही कह रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ की फिक्र ना करें, चाहिए जफर को हरा के आइए। भाईजान सलाम। जहर भी आप कौन? मैं जश्न, मैंने ही आपको आजाद किया है। शुक्रिया। जहर भी और आगे भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार मिलूंगा आपको। मैं हमेशा से सुल्तान जफर के करीब रहना चाहता था, एक होनहार शागिर्द बनकर। ठीक है बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। कालीन चलिए। यार सुनो, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जाने से पहले एक मरतबा अपनी बहन से मिल लें। बहन भाई के लिए कितना कुछ कर रही, और भाई एक ही डरा सहमा बैठा हुआ, उन्हें भी तो आप पर नाज होने की वजह दीजिए। रुकने का वक्त नहीं, चलिए 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 आइए। सफर ने शहर को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे बातों में लगा के रखते हैं। सुल्तान, मौसम कितना अच्छा है ना, आपको पता है जब मौसम अच्छा होता है ना सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। तालीम तेज। पता नहीं कहां लेकर गया होगा ये भाईजान को, क्या करूं? बेटे के सवाल का जवाब तो मां ही देगी। अंगड़ाइयां जफर, क्योंकि ताबूत में इतनी जगह नहीं मिलेगी। देखो फिर आके वहां खड़ी हो गए। कहां सुल्तान, कोई भी तो नहीं है। दिख नहीं रही हैं तुम्हें, ऐसे ऐसे कर रही हैं भगवान। वाकई सुल्तान हमें कुछ नजर नहीं आया, यहाँ पर बस आप हैं और हम। अरे सुनो, पहले तो तुम हम आप तो दूर रहे तो बचाएगा कौन हम? किससे सुल्तान, क्या हो गया आपको? हम समझ गए सब, हम मजाक कर रहे ना, मजाक कर रहे ना। बड़े मजाकिया हैं आप। चलिए तेरे गुनाह तुझे ही नजर आएंगे जफर, उस बंदर के बच्चे को नहीं। मीना सामने खड़ा है लेकिन ताने हमें जरूर देगी। अलादीन, अलादीन मैं किन्ना छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुल्तान आप ना आज बच्चों की तरह घबरा रहे, हमारा हाथ पकड़िए और साथ रहिए। चलिए चलो। यही कुदरत की कचहरी है,
कुदरत की कचहरी तक पहुंचना है तो पहेली का तूफानी दरिया पार करना होगा। कौन कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? हमें क्या पता, हम भी तो पहली बार ही आए। कौन है? हम ये पहली सुलझाने के पीछे क्यों पड़े? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इंसाफ भी नहीं। पहली सुलझा लोगे तो कुदरत की कचहरी में जा सकोगे, नहीं सुलझा पाए तो हमेशा के लिए पत्थर बना दिए जाओगे। बोलो, शर्त मंजूर? वाला तुम जानती हो, मैं जादूगरनी तो हूं ही और बेरहम भी हूं। तुम्हारे उस चहीते अलादीन को मुर्गी बना के उसकी बिरयानी पकवा के पूरे बगदाद में बंटवा दूंगी। नहीं, तो जल्द बता दो कि अलादीन भाईजान को कहां लेकर गए। अंगूठी छाप इस वक्त कुछ कर नहीं सकता, और जीनू पता नहीं कहां चला गया है। मैं क्या करूं? मैं आखिरी मौका दे रही हूं रुखसार, बता दो कि अलादीन भाईजान को कहां लेकर गया है, वरना तुम जानती हो मुझे तो बिरयानी से मतलब है। बिरयानी में गोश्त अलादीन का हो या फिर इसका। नहीं नहीं, कि तुम्हारे क्या और नहीं के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो फैसला करना है जल्द ही करो, वरना मंजूर है। हम आपकी पहेली का जवाब देंगे। पहेली क्या है? धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते। जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेके जाती हूँ। धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते, जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेकर जाती हूँ। पहेली दोहराना बंद करो, जवाब सोचो। ये अभी भी तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? अरे यार, हम जब से किसकी बात कर रहे हैं? आप अभी भी वहीं पर, मतलब एक चीज पर अटक गए क्या? कल रात आपने ज्यादा तो नहीं कर ली थी? अरे नहीं, हमने पीना बंद कर दिया। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। या अल्लाह, मेरा तो खून बह रहा है। सफर देखना ले। आग लगी है सुल्तान और अब हमें देख रहे। पहली तो तुम जाइए। फिर वह ना जाने क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? सुनो, तुम्हारा दिमाग तिजोरी में बंद है क्या? अब जवाब ढूंढो। वैसे ही बहुत सीख लग रही है। बाल बाल बच गई। मिल गया, पहले का जवाब मिल गया। धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते। जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेकर जाती हूँ। यार ये तो पहली हुई, जवाब क्या है? मौत। इस पहेली का जवाब मौत है।
फांसी दबाने से आगे का रास्ता खुले? जाके पहले चोरनी को हमें दरवाजे में दाखिल करना होगा। सुजान वो देखिए, वो देखिए उधर। अरे नहीं, यहाँ देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। ये क्या बेहुदा मजाक है यार? अच्छा, इतने में खफा हो गए? जो आप हमें इतनी देर से, जब से हम आए हैं, इधर उधर ना जाने किस रूह को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। जैसे आपको कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। समझे? अब चलें। हम भी मजाक कर रहे थे, चलो। ये जो तुम्हारी बड़ी उस्ताद देख रहे हैं, तुम्हारी जान कुर्बान कर देंगी, पर ये नहीं बताएंगी कि अलादीन कहां लेकर गया है भाईजान को। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना बड़े उस्ताद? काश मैं कुछ कर सकता। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, नहीं ऐसा मत करो, नहीं बड़े उस्ताद, नहीं। खबरदार! अगर तुमने बच्चे को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए दो कड़ी के जिन, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? हाँ, आज मैं बीच में क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पड़ूंगा और तुम्हारी खैर नहीं। जफर, क्या कर रहे हैं आप? सुल्तान, इधर क्या देख रहे हैं? सीधा चलिए, चलिए। क्या कर रहे हैं आप? ये सुल्तान है, सुल्तान वाली हरकत दिख रही है। ये भी तो यहाँ के सारे तीसमार खां हैं। तमीश जफर, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार कमीने? ये फिर आ गई। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है और ये सब मैं देखूंगी। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। ये जो लोग हैं ना, ये इस निकम्मे शहजादे की तरह बेवकूफ इंसान नहीं है। कुदरत की कचहरी चलाते हैं और इन्हें सब नजर आता है, तेरी हकीकत भी और मेरी रूह भी। मैं इन्हें सब बताऊंगी। यार ये फिर यहां आ गई। कुदरत की कचहरी शुरू की जाए। आज का मुकदमा क्या है? गुनहगार कौन है? ये है गुनहगार, मेरा गुनेगा। सुना तुमने, इसने हमारे खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया इसने। देखो तुम तुम्हें सच बता दो ना। हम सब बता देंगे। लेकिन पहले आप ये बताइए कि चोरनी क्या कह रही है? अरे वो तुमने देखा नहीं, ऐसा ऐसा करके कह रही है कि हम गुनेगार हैं। अरे तुम कहो ना इनसे, हम गुनेगार नहीं है। दरअसल हमारा बहुत पुराना और अजीज दोस्त है, इसलिए कुछ ऐसी बातें सुनता करके हंस देता है।
आपका ये बहुत अच्छा है बस। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वक्त की नजाकत को समझो मियां, कहो चलो बड़ा आगे। हाँ फिर ठीक है, बता देते। तो सच ये है कि हमारा दोस्त किसी का गुनहगार नहीं है। हमारा मतलब किसी एक का गुनहगार नहीं है। बल्कि ये कमीना सबका गुनहगार। ये बक रहे हो दोस्त? दोस्त नहीं, अलादीन। नाम तो सुना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.